आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। भारत भर में कोरोना महामारी का प्रकोप कुछ इस तरह हुआ था कि क्या आम और क्या खास, सभी को इसकी मार झेलनी पड़ी थी। किसी के पास पैसे नहीं थे तो किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं था। नई गाड़ियां चल रही थी, ऐसे में लोग पैदल ही अपने गांव की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इनमें कईयों की जान भी चली गई, मगर देश के एक कोने में बैठा एक समाज ऐसा भी था जिसकी किसी को चिंता नहीं थी। वो था देह व्यापार करने वाली महिलाओं का। मुंबई की रेड लाइट इलाके कमाठीपुरा की ये एक सच्ची दास्तान है। तब से अब में क्या बदला उनकी जिंदगी में देखें प्रेस एक्सप्रेस की इनसाइड स्टोरी। इस समय हम मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में हैं, जो कि रेड लाइट इलाका कहा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ब्रिटिश कालीन है, ब्रिटिशर्स के समय इसे बसाया गया था और यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में देह व्यापार करने वाली महिलाएं रहती है। आपको ये जानकारी होगी कि जिस तरीके से कोरोना काल की महामारी देश भर में फैली, दुनिया भर में फैली, उसकी जो मार जिस तरीके से सामान्यतः लोगों पर पड़ी, उससे कई ज़्यादा मार जो है वो यहाँ पे रहने वाली देह व्यापार करने वाली महिलाओं पर पड़ी, क्योंकि इनका गुजर बसर, इनका परिवार, इनके अपने बच्चे, वो सारे लोग इसी कमाई से उनका घर पलता था, जो कि बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मगर कहीं ना कहीं तकलीफें उनको छोड़ने का, उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वजह थी, ना ही उनके पास खाने को कुछ था, ना पहनने को कुछ, ना ही किसी किस्म का गुजर बसर करने के लिए उनके पास कोई साधन था। मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाज सेवी बीच में उठ कर आता है और ऐसे गरीबों की मदद करता है। मेरे साथ में ऐसे ही एक समाज सेवी, जो कि कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ पे जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उन सब की मदद करते आ रहे हैं। उनका नाम है शंकर जी, इस समय मेरे साथ में है। शंकर जी, ये बताइए कि कई सालों से आप इनकी मदद कर रहे हैं, कोरोना काल आया, ख़त्म हो गया, उसके बाद में सामान्य जो लोग हैं उनकी गाड़ियां पटरी पर दौड़ने लगी, मगर यहां की परिस्थिति के बारे में अगर मैं जानना चाहूं तो यहां इस समय क्या हालात है? हालात तो बोला तो एक्चुअली तो देखने जाए तो उनका पूरा धंधा पानी पूरा ये हुआ है। और जो भी प्रॉब्लम पे उन लोग चल रहे, जैसे अनाज का प्रॉब्लम है, और मेन तो एक रूम छोटा सा 2x3 का रूम है, लेकिन 9,000-13,000 भाड़ा, तो धंधा होएगा तो उन लोग देगा, नहीं तो नहीं। और उनका परिस्थिति अभी भी ठीक नहीं है और वो तकलीफ में ही है। और हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे कि हर महीना हम लोग उनको राशन देवे, जैसे कि बहन है पार्वती बहन के द्वारा हम राशन दे रहे, और प्लस ग्रेस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग बहनों को हेल्प कर रहे हैं और उनको अधिक से अधिक जो चाहिए, उनको नीड क्या है, खाना चाहिए, खाना रहेगा तो हर चीज़ को हेल्थ अच्छा रहता है। तो हम वो बहनों के लिए बारे में यही सोच रहे कि ताकि उनका लॉकडाउन से अभी तक, हमारा लॉकडाउन तो निकल गया लेकिन अभी तक हम राशन हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में हर महीने कामाड़ीपुरा के बहनों को हम राशन का मदद करते हैं। और यही है सर। सर मैं अगर जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि मदद करते हैं, अनाज इनको इनके बीच में बांटा जाता है, तो सर क्या अब भी परिस्थिति उनकी खराब ही है, दुर्दशा वैसी ही है जैसे लॉकडाउन में थी? हाँ, अभी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उन लोग, भाड़ा नहीं भर, अभी जो उन लोग 4 महीने से जो दो साल तीन साल से जो भाड़ा नहीं भर रहे, भरा नहीं, वो अभी उन लोग से भाड़ा मांग रहे तो कैसा करेंगे? भाड़े के लिए तकलीफ, सब चीज़ के लिए हो रहा तकलीफ, तो वही भाड़े के तकलीफ में, और पेट कैसा भरेगा, भाड़ा भरेंगे पिछले साल का और इसका, थोड़ा बंद करने बोलो, अपना क्या भाड़ा कैसा, भाड़ा पैसा आएगा तो ही भाड़ा भरेंगे, और 3 साल का उनको भाड़ा भरना है तो कैसा भरेंगे उन लोग, खाना कैसा, कस्टमर आएगा तो ही उनका, नहीं तो नहीं होगा ना सर, ऐसा है। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो कि इस व्यापार से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि शंकर जी ने कहा कई सारी दिक्कतें हैं, हम उनसे सीधा जानते हैं कि किस तरीके की तकलीफ़ों को वो फेस कर रहे हैं और किस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। मैम आप बताइए कि आपका कहाँ रहती हैं और किस तरीके की तकलीफ़ें आपको? मैं रहती कमाठीपुरा 14 गली में रहता है, मगर मेरे को इस तकलीफ है, जो खाना तो अनाज तो मिलता है, अन्ना देता है महीना में, मगर मेरे को तकलीफ है जो 3 साल का रूम का भाड़ा है, तो भाड़ा अभी भाड़ा वाला लोग मांगेगा तो हमको खाने का पेट में नहीं कर पाता है, तो भाड़ा हम कैसे भरेंगे,
उससे अच्छा हमको अगर कहीं भी इतना सा छोटा रूम है, दो इंसान सोने का रूम में, तो उसमें 3,000, 4,000, 5,000, 5,500, 8,000 ऐसा भाड़ा है, तो उसमें से हम कैसा गुजारा करेंगे? ताकि हमको कहीं अगर छोटा सा रहने के लिए कहीं सहारा दे देंगे, ताकि हम कुछ भी मेहनत करके, कुछ भी काम करके हम मेहनत करके खा सकता है। तो इसीलिए हम जो शंकर अन्ना है उनसे हम जुड़ी हुई है, उससे हम चल बातचीत करते हैं, तो अन्ना भी बोला है तो हम कोशिश करेगा, तो वो भी तो उनको तो मौका मिलना चाहिए जब भी वो कोशिश करेगा। तो इसीलिए हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, जो हमको थोड़ा भी कहाँ भी रहने के लिए थोड़ा सहारा दे देगा, तो ताकि हमारा बच्चा लोग भी बाहर है, बच्चा लोग को भी इस जगह में ला नहीं सकता है, अगर हमको बाहर कहीं दे देगा तो हमारा बच्चा लोग भी आना जाना कर सकता है, ताकि हम भी वहाँ कुछ भी मेहनत करके खा सकता है, रह सकता है। यहाँ पे कुछ और लोग मेरे साथ में है। मैम आपका आप बताइए कि लॉकडाउन में जिस तरीके की परिस्थिति थी, हालात थे, अब क्या वो हालात सुधरे हैं? नहीं सुधरा है अभी भी। किसी कभी धंधा पानी होता है, कभी नहीं होता है। जिस दिन नहीं होएगा तो घर वाले को हम भाड़ा कैसे देंगे, तो बोलता है भाड़ा दो हमको, हमारा 9-10 हज़ार भाड़ा है रूम का, तो एक इंसान से दूसरा इंसान नहीं सो पाता है, तो 9,000 भाड़ा है, हमको बोलता है भाड़ा दो, तो हम खाना भी नहीं खा कि ना हम भाड़ा तैयार करना पड़ता है कैसे भी करके। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमको संग्रहालय ने हमको छोटा से रूम दिलाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोग भी उसमें कोशिश करेंगे तो हमको बच्चे लेके बाहर साइड में जाके, हमको तो बोलते हैं ना यहाँ से हटो, लेकिन हटेंगे, लेकिन खाएंगे वहाँ जाके क्या, हाँ बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? इसलिए हमको थोड़ा कुछ रहने का मकान देगा, वही भाड़ा हमारा बचत हो जाएगा, तो हम बच्चे को पढ़ा भी सकता है और बच्चे को हम खा भी सकते हैं, हम थोड़ा कुछ काम भी कर सकते हैं बाहर। इसलिए हम यही बोल रहे हैं कि हमको छोटा मोटा कहीं बाहर एक जगह झोपड़ा क्यों ना हो, वैसे हमको चाहिए, बोल के हम बोल रहे हैं। मैं अगर बात करूँ अनाज की, खाने पीने के सामानों की, क्या उसकी भी कमी पड़ रही है? आप लोगों को दो वक्त के खाने के लिए भी तकलीफें झेलनी पड़ रही है? कभी तो झेलना ही पड़ता है, कभी तो भूखा भी सुना पड़ता है ना हमको तो। हाँ हम यहाँ से हर महीना में अन्ना राशन देता, तो पूरा महीना तो नहीं जाता है ना। अब घर पे बोलो हसबैंड है, बच्चा है, मैं हूँ और दूसरा लड़की है, 4-5 बच्चे खाना पड़ता, तो पूरा महीना तो नहीं जाता है ना, तकलीफ तो होता है खाने के लिए, सुनना पड़ता है, बच्चे को खिला के माँ तो भूखा रहेगी ना। फिर ये यहाँ के हालात है, जो बाहर से दिखने वाली चमक दमक वाली दुनिया है उससे बिल्कुल हट कर एक अंधेरी दुनिया में ये जीने के लिए मजबूर है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं मेरे साथ। मैम आप बताइए कि किस तरीके की तकलीफों का, आप लोगों को किन तरीके की तकलीफों का सामना करना? यार पहला को जैसा धंधा अभी तो होता ही नहीं, और 10-10 हज़ार रुपये भाड़ा, बच्चा लोग को खिलाओ ना 10-10 रुपये भाड़ा के नो, कभी कभी भूखा में भी सो जाता है, कभी कभी 2 टाइम 3 टाइम भी भूखा में रखता है, फिर भी आना है यार लॉकडाउन से, ये आना हम लोग को जो मदद किया ऊपर अल्लाह उसको अच्छा करने, तो हम लोग दुआ करते हैं ऊपर अल्लाह, वो नहीं रहता था तो हम लोग मर ही जाता था, तो फिर भी अभी देखो हमारा देता है, अभी सब लोग को तो महीना भर देने से देखता है, अब वो बेचारी लेके आता है दूसरा जगह से, एक जन का तो पाँच जन को बचा रहे, फिर भी हम लोग को जो मदद किया आपको अन्ना ने, शंकर अन्ना ने जो मदद किया बहुत किया, वो कभी कभी ऐसा करता है कोई बीमार में रहता है उसका पैसा भी दे के खर्चा कर दवाई खरीद करके ला के देता है, कोई बोलता है मेरे को जाने का भाड़ा नहीं वो भी उसको गोद से पैसा देता है पॉकेट से, कोई बोलता है हमारा तकलीफ है वो तुरंत आ जाता है, तुरंत आ के लेके जाता है, कोई बोलता है हमें रोड में बैठा है मेरे को 2 दिन खाना नहीं है, खाना खरीद करके दे के खिलाता है, शंकर अन्ना जो किया अच्छा किया, और ये कितना लॉकडाउन हो गया तो भी हम लोग को फेंका नहीं, हम लोग को रेशन देने का बंद नहीं किया, जितना देना था 1 किलो देना था 2 किलो देना था दे रहे हर महीने में देता है, दे रहे अभी दे रहे सहायता संतरा सब कुछ, एक कोलगेट एक साबुन बदन घिसने का साबुन सब दिया, ऐसा नहीं हम लोग को, अभी हम लोग को तकलीफ यही है जो हम लोग को भाड़ा वाला घर वाला लोग सुनता नहीं, घर वाला लोग एक कस्टमर अगर करेगा उन लोग को दिमाग में काम नहीं करता है, अभी कस्टमर लोग को 200-150 में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, 1.5 किलो भाजी लाने के लिए 30 रुपये मांगता है, अभी घर वाला लोग तो वो नहीं सुनता है, तुम लोग खाना होने दो नहीं तो हमारा पैसा मांगता है, नहीं तो हम लोग का घर छोड़ो, हम लोग जाओ किधर है, हम लोग का नहीं घर नहीं दर्जा, बच्चा लोग बचाओ ना, हम लोग खाओ ना, हम लोग क्या करूँ, इसलिए बोल रहे हैं ना तुम थोड़ा मदद करो, कोई भी घर किधर भी हम लोग को दो, झोपड़पट्टी दो किधर भी दो, उधर ही बाल बच्चा लेके गुजर जाएगा।
यहाँ पे कुछ और लोग हैं मेरे साथ में। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके किन तरीकों की तकलीफ़ों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, खाने के किस तरीके की तकलीफ़ें आपको हो रही है खाने पीने में? खाने का पीने का तो तबलीग ने आना देता है, रहने का ज़्यादा हम लोग का तबलीग है। हाँ, खाना पीना दवाई करो तो आना हाल लॉकडाउन है, 3 साल लॉकडाउन आना दिया हम लोग को, सब दे दवाई पानी, अभी भी दे रहे आना, अभी भी हम लोग के बीमार है अन्ना को बोलेगा अपना जेब से दे देता है पैसा, किंतु खाना पीना का लिया हम लोग का तबलीग हो नहीं है, किंतु हम लोग रहने का तबलीग है। हाँ बिल्कुल। आपको लॉकडाउन के पहले जिस तरीके से आप लोगों का कारोबार चलता था, क्या अभी वैसा चल रहा है? अभी वैसा नहीं चल रहा, कभी एक होता है कभी नहीं होता है, ऐसा रह जाता है। हम लोग कहाँ से घर भरा भरेगा, एक घर भरा 7,500, 8,000, 9,000 इतना छोटा रूम, आप देखेगा पागल हो जाएगा, छोटा छोटा रूम, हमारा रूम भरा भरू ना अपना देखो। जैसे कि इन्होंने कहा कि काफ़ी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, मैम आप बताइए कि क्या क्या तकलीफ़ें आप लोगों को यहाँ पे जो है सहनी पड़ रही है? हम लोग का सही है टू रहना का जगह सही है, खाना पीना ठीक से सही है, टू औषध पाला और क्या बीमार हमार, हम लोग रास्ता है बेटा है, हम लोग को कुछ नहीं है बाबा, हम लोग को कुछ सुन है यही सही है और क्या से है, थोड़ा रूम देने का कि क्या करने का, घर भाड़ा कैसे टानेगा, बाल बच्चा बहुत है क्या करो बाबा, यही तबड़ी करके आए और आना हम लोग को बहुत मजा किया अन्ना झा, मैंने हम लोग को जान बसाया, अभी जान बसाया, अभी लॉकडाउन का पर कोनो काम धंधा कुछ भी नहीं, हम लोग बसेगा के कैसा बोलो, यही तबलीग और कुछ नहीं बाबा और कौन तबलीग नहीं, हमारा अन्ना रहेगा बहुत मजा रहेगा और कुछ नहीं सही। आप बताइए कि लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जो तकलीफें आप लोगों को झेलनी पड़ी, क्या उन हालातों से आप बाहर निकल पाइए? नहीं, आज भी वही तकलीफ है, बाल बच्चा को पालने के लिए तकलीफ, लड़की है तो ये लाइन में रख नहीं सकते है, हम लोग का खुद का घर नहीं, माँ बाप नहीं, ये लाइन में आ गया तो माँ बाप से निकल गया, हम लोग जा नहीं सकता, जिंदगी खराब हो गया, शादी भी नहीं कर सकता कुछ नहीं, प्यार करके भी शादी करो तो बाल बच्चा रखता है, अभी छोटे छोटे बच्चे लोग को पालने का तकलीफ, भाड़ा भरने का तकलीफ, अन्ना है शंकर अन्ना है जो सब कुछ करता है हम लोग को, कपड़ा तक हम लोग को देता है संस्था से ला के, वो है उनकी वजह से हम लोग को रोटी मिलता है तो हम लोग बच्चे हैं, आज भी लॉकडाउन पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ तो भी वो अभी तक हमारे लिए मदद कर और हमेशा करते रहे, वही हम लोग उनको धन्यवाद देते। मैम, अगर मैं बात करूं कि सरकार से आप चाहती हैं कुछ मदद हो आप लोगों को, जिस तरीके से ये ब्रिटिशों के समय से अन्ना बोल बोल के तो सरकार को थक गया कि गरीब लोग को घर दो कुछ काम करके खाएगा, और रिप्लाई नहीं दे रहा अन्ना को कुछ। सुना ये थी कुछ महिलाएं जो कि यहाँ पे जो कोई मजबूरी में आई, किसी को ला के ढकेल दिया गया इस गंदगी में, मगर कहीं ना कहीं वो अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर है, उनके भी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे साथ में शंकर जी है। शंकर जी, मैं ये जानना चाहूँगा जिस तरीके से इनकी शिकायत थी कि रहने की काफ़ी दिक्कतें इन्हें हो रही है, खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, तो क्या सरकारी तौर पर कोई मदद आप तक पहुँची? अभी तक तो BMC ने जो लॉकडाउन में खाने वगैरह दिए और बीच में जो 15,000 किसी किसी को आया किसी किसी को नहीं आया, और मेरा एक ही है कि हमारी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जैसे कि झोपड़पट्टी वाले लोगों को भी आप लोग घर देते, ऐसे भी बहन लोग हैं जो यहाँ से निकलना चाहते, लेकिन क्या हालात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी अपने घर में भूखा सो जाएगा, घर खुद का रहेगा तो एटलीस्ट झोपड़पट्टी वाले लोग को तुम दे सकते हो, वापस से तोड़ते वापस से उधर ही बनाते और उधर ही वापस से उनको मिलता है, तो ऐसे एक हमारी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को घर दे दो ताकि 100 लोगों का तो निकालो, उनका ज़िंदगी बनाओ, फिर 100 के बाद देखो कितने लोग निकलते हैं यहाँ से, निकलने के लिए रेडी। आज बहुत से बहन लोग अलग अलग सिलाई मशीन हो गया, घास काट रहे, आपको मैं बोलूँ तो बहुत से लोगों को हम लोग ने जॉब वगैरह लगाए वो कर रहे हैं, तो ये एटलीस्ट वहाँ से निकाल के उनको एक अच्छी ज़िंदगी देगा वो सबसे बड़ी बात है, और वही हमारा प्रयास है कि ग्रेस फाउंडेशन के माध्यम से इनका कैसे तरीके से उनके बच्चों का उनका भविष्य बने और एक हमारे देश के प्रति उन लोग एक अच्छा काम करें। जैसे कि आपने सुना, ये थे शंकर जी जो कि यहाँ पे संस्था चलाते हैं जो कि देह व्यापार करती है महिलाएं उनकी मदद के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कई सारी ऐसी महिलाएँ हैं, बच्चे हैं जिन्हें ढेर सारी बीमारियां जो है उनको लग चुकी हैं,
जैसे HIV जैसी बीमारियां लग चुकी है उनकी भी मदद यहां पे की जा रही है, TB जैसी बीमारियां लग चुकी है उनकी भी मदद की जा रही है। और जिस तरीके से मेरा सवाल था क्या खाने पीने के लिए लॉकडाउन में जिस तरीके से तकलीफों का सामना इन्हें करना पड़ा था, क्या वो हालात सुधरे हैं, तो उनका साफ कहना था जैसे उस समय हालात थे आज भी वैसे ही हालात हैं। वो मजबूर हैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, वो मजबूर हैं अपना पेट भरने के लिए। ये हालात ही हैं उनके कि इस जैसे नर्क जैसे माहौल में उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, मगर उनकी भी ख्वाहिश है कि उन्हें भी एक सपनों का घर मिले, एक अच्छा परिवार मिले, एक अच्छा माहौल मिले और बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले, मगर ये देगा कौन, ये जिम्मेदारी किसकी है। समाज के उच्च स्तर पर बैठे हुए वो लोग अगर मदद के लिए ऐसे लोगों की आगे आते हैं तो आप जानते हो कि ये नर्क से निकलकर एक अच्छे माहौल में जाने के लिए ये तैयार बैठे हैं, मगर किसी हाथ का इंतजार कर रहे हैं जो कि इनकी तरफ बढ़े। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैशे की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। देखा आपने कि किस कदर लाचार हैं ये लोग। आज भी इनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, आज भी ये महिलाएं पेट की भूख मिटाने के लिए लड़ रही हैं। ये सत्य है, पेट की भूख से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, इसका एहसास भूखों को भी होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।